एक अलग तरीके से कुछ विधियों के माध्यम से हम ध्यान करने जा रहे हैं। कुछ 12 से 15 विधियां हैं जिनको अभी सिर्फ नाम दिया गया है, उन पर आपको ध्यान करना है। और जब मैं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान करना है तो इसका अर्थ है उस पूरी प्रक्रिया को समझना है। आज हम पहली विधि पर ध्यान करेंगे, आपको भी ध्यान करना है यानी समझना है, और तब तक समझना है जब तक कि समझ ना आ जाए। तो शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले कुछ बातें जो आपको पहले ही समझ लेनी ज़रूरी हैं वो ये हैं कि इनमें से किसी भी विधि का उद्देश्य किसी दिव्य सत्ता को जानना या उसके दर्शन पा लेना इससे कोई संबंध नहीं है। आपको बस पूरी प्रक्रिया को समझना है, उस पर ध्यान करना है। समझना ही ध्यान है। इन सारी विधियों का, सारी चर्चाओं का एकमात्र उद्देश्य है और वो है दुख से मुक्ति, या कहो स्वयं से मुक्ति। विधियों का उद्देश्य है स्वयं को मिटाना, क्योंकि मेरा यह मानना कि मैं कुछ हूँ यही दुख का कारण है, यही सारे भेदभाव का कारण है। तो दुख भेदभाव से मुक्ति और स्वयं को मिटाना इन विधियों का उद्देश्य है। इसके लिए आपको सिर्फ विधियों को, पूरी प्रक्रिया को सुनना है, समझना है, उस पर ध्यान करना है, उसका अवलोकन करना है। तो पहली विधि का नाम है तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए। तुम कौन हो से तात्पर्य है कि अभी जो तुम हो और जो तुम अपने आप को मानते हो वह यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब शुरुआत करने के लिए हमें एक बिंदु चाहिए। उसके लिए हम लेते हैं उस व्यक्ति को जिसे आप पिता कहते हैं या पिता कहते थे, और स्वयं के बारे में मान लीजिए कि अभी आपका जन्म नहीं हुआ है। एक पेड़ होता है, आम का पेड़, आप किसी भी फलदार पेड़ की कल्पना कर सकते हैं। आम के पेड़ में एक फल लगता है आम, और उसमें होता है एक बीज। तो वो जो फल है, वो जो बीज है, वह उस पेड़ से अलग तो नहीं है। वह जो पूरा वृक्ष है, जो पत्तियों, टहनियों, मोटी शाखाओं, जड़ों, इन सब से मिलकर बना है, और इन सब में अग्नि तत्व, मिट्टी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और प्रकाश तत्व, ये सब भी समाये हुए हैं। तो इन सब का परिणाम ही वो फल और बीज है, ठीक। तो वह व्यक्ति जिसे आप पिता कहते हैं या कहते थे, वह इस वृक्ष की ही भांति है। जिस प्रकार पेड़ मिट्टी, वायु, जल, सूर्य, इन सब से अपना पोषण लेता है, यानी इन्हीं से वृक्ष का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार जिसे आप पिता कहते हैं, उस शरीर का, उस मस्तिष्क का, सबका निर्माण उन सब से ही हुआ है जिनको वे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जल, वायु, श्वास सब आ जाएंगे उसमें। तो यानी शरीर और शरीर के अंदर जो कुछ भी है, वह जो कुछ पोषण इन्होंने लिए हैं उन्हीं का परिणाम है। तो पिता है पेड़। अब पिता के अंदर ही बनता है वीर्य कुछ रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप। ये वीर्य क्या है? यह बीज जो वृक्ष पर फल में
अंदर था। और फिर जिस प्रकार वृक्ष में जो बीज है उस बीज को पुनः वृक्ष बनने में एक प्रक्रिया लगेगी, उसके लिए बीज को जमीन में मिट्टी के अंदर दबना पड़ेगा, यानी उसके लिए खेत चाहिए, भूमि चाहिए। और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसी तरह ये जो बीज है वीर्य नाम का, जिसमें बहुत सारे शुक्राणु हैं, जिससे पेड़ पर लगे सारे बीज वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन जिसको भूमि उपलब्ध होती है और सही माहौल उपलब्ध होता है वह बीज वृक्ष बन जाता है। उसी तरह से इन शुक्राणुओं में जिसको भूमि मिल जाएगी, जिनको वह सब मिल जाएगा जिसकी इनको ज़रूरत है अंकुरित होने के लिए, यानी अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, वह अंकुरित हो जाएगा। तो जिसे आप माता कहते हैं, स्त्री, उनमें जो गर्भ है वह भूमि का काम करता है। यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि ये जो शुक्राणु है ये कहीं आसमान से नहीं आया है। जब हम कहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, या कुछ लोग कहते हैं कि मुझे भगवान ने बनाया है, ये शुक्राणु बीज है। और ये कहाँ से आया है? ये उस शरीर से आया है जिसको आप पिता कहते हैं। और वो शरीर कहाँ से आया? वो शरीर उन सब पोषक तत्वों से निर्मित है जिसका भोग उस शरीर ने किया, और वो सारे पोषक तत्व उन्हीं पंचभूतों पंच तत्वों से निर्मित हैं। तो यानी शुक्राणु में और उन पंच तत्वों में अभी कोई अंतर नहीं है। अभी कोई एक ही शुक्राणु अंकुरित हो पाएगा और बाकी के जो लाखों करोड़ों हैं वो नहीं होंगे अंकुरित, वो जमीन पर गिरकर वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। जो तरल पदार्थ है जल का, वो जल में मिल जाएगा, ऐसे ही सभी तत्वों में विलीन हो जाएंगे। अब ये जो शुक्राणु है जो गर्भ तक, यानी उस अनुकूल वातावरण तक, उस भूमि तक पहुंच गया है जहां ये अंकुरित होगा, जहां ये ग्रोथ करेगा, जहां ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, इसमें क्रियाएं होंगी, इसको बड़ा होने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो ये पोषक तत्व कहां से लेगा? सारी ऊर्जा कहां से लेगा? उसी भूमि से जहां पर ये अंकुरित हो रहा है, यानी उस स्त्री के शरीर से ही, उसके माध्यम से ही। और स्त्री कहां से पोषण ले रही हैं? उन्हीं सब प्राकृतिक तत्वों से, वही भोजन, जल, वायु, फल फूल सब्जियां, इन्हीं सब से। यानी गर्भ के अंदर अभी जिसका निर्माण हो रहा है वो मिट्टी, वायु, जल, फल सब्जी, अनाज, इन सब का ही मिला जुला एक रूप मात्र है। रूप अलग है, आकार प्रकार अलग है, पर वो इन सब से मिलकर ही बना है। अब जब तक ये जो बच्चा तैयार हुआ है ये गर्भ के अंदर है, तब तक सिर्फ माता है, स्त्री है, जो कहती है कि मैं कुछ हूँ। तब तक हम भी उसको एक ही मनुष्य कहते हैं। तो जब तक ये जो एक नया जीव तैयार हुआ है ये गर्भ से बाहर नहीं आता, तब तक स्त्री और बच्चे दोनों में अंतर नहीं है, वो बच्चा उसी शरीर का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही जन्म होगा वो दो हो जाएंगे। अब इसको देखो कैसे ये यहाँ तक पहुँचा है। पीछे जाओगे तो माता का गर्भ है, वहाँ वो तैयार हो रहा है, किन से? पोषक तत्वों से। और पीछे जाओगे तो वो मात्र शुक्राणु है, और शुक्राणु आया उस व्यक्ति से, और व्यक्ति के अंदर वो शुक्राणु और पीछे टुकड़ों में टूटेगा तो उन सारे तत्वों में विलीन हो जाएगा जिनसे वो निर्मित हुआ है। यानी प्रकृति के जो तत्व हैं वही अलग अलग प्रक्रिया से गुजरते गुजरते
आज इस रूप में आए हैं जिसे हम एक बच्चा कहते हैं। ये तुम हो, अब स्त्री और बच्चा अलग है और पुरुष अलग है। जैसे अच्छी खेती की, उससे गन्ना पैदा करा, गन्ने को चरखे में डाला और चरखे से जो जूस निकला उससे गुड़ बना लिया। इसी तरह पुरुष ने, पिता ने कुछ खाया पिया, उससे शुक्राणु तैयार हुए और शुक्राणु बच्चे बन गए। गन्ना रस बना, रस से गुड़ बना, प्रकृति के तत्व शुक्राणु बने, शुक्राणु से बच्चा बने। अब ये जो आप पैदा हो गए, ये क्या है? ये सिर्फ शरीर है और मस्तिष्क का खाली खोका है। तो जो बच्चा पैदा हुआ है वो अभी इक्वल टू एनिमल है, पशु के बराबर है। वो अभी इसका मस्तिष्क खाली है। हाँ, इसमें वो सारी वृत्तियाँ होंगी जो शरीर के साथ आती है, वो सारी टेंडेंसी, इंस्टिंक्ट, वो सब इसमें होंगी क्योंकि वो शरीर के साथ होती हैं। अगर इस बच्चे को आप जंगल में छोड़ दें, जहाँ ये जो समाज है, ये जो मनुष्य हैं, इन सब की पहुँच ना हो, जहाँ बस जैसे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, ये सब हैं, लेकिन इंसान नहीं है, ये हमारा तथाकथित सामाजिक इंसान नहीं है, तो उसको अगर जंगल में छोड़ दो तो वो पशु के तल पर ही जिएगा। माने आप में और पशु में कोई भेद नहीं, क्योंकि आपको कोई संस्कार, कोई शिक्षा, कोई मान्यता, कोई विश्वास कुछ नहीं मिला, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है वहाँ, आप अकेले हो, आपका कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पहचान नहीं, अभी तो आपको भाषा भी नहीं आती, बिल्कुल कुछ नहीं। तो शरीर है, खाली मस्तिष्क है, लेकिन उसके बावजूद भी आप में क्या क्या होगा? अब मैं कोई शरीर का या मस्तिष्क का वैज्ञानिक नहीं हूँ, जितना समझता हूँ उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये स्वयं को देह के तल पर, शरीर के तल पर औरों से अलग मानेगा, क्योंकि शरीर इसको दिखाई देंगे आँखों से, कानों से सुनेगा, आँखों से दिखाई देगा, तो ये स्वयं को देह के तल पर दूसरे से अलग मानेगा। इसमें वो सारी वृत्तियाँ, टेंडेंसी होंगी, इंस्टिंक्ट होंगी, जो शरीर के साथ आती हैं, जो कि जानवर में भी पाई जाती हैं। जानवरों को भी कैसा अपने बच्चों से लगाव होता है, कैसे वो भी झुंड में चलता है, कैसे वो भी जंगल में सीमाएं खींचता है, कैसे उसको भी डर लगता है, कैसे वो भी दूसरे जानवर पर क्रोध करता है, तो वो सारी वृत्तियाँ इसके अंदर होंगी। वो किसी ने डाली नहीं है बाहर से, वो इसके साथ हैं। इसी के साथ देह के तल पर जो भी अनुभव होते हैं वो सारे अनुभव इसको होंगे और इसके मस्तिष्क में वो सब एकत्रित होते जाएंगे, ताकि याद रहें और आगे काम आए, शरीर की रक्षा के लिए काम आए। जैसे इसको एक बार कांटा चुभा तो वो दर्द और वो कांटा और वो सब खून, ये सब मस्तिष्क में सेव हो जाएंगे, ताकि आगे से ये सावधानी रख सके या कोई व्यवस्था कर सके स्वयं को दर्द से बचाने के लिए। ध्यान रखना, दर्द कह रहा हूँ, दुख नहीं। तो इसको अगर चोट लगती है तो ये दैहिक अनुभव है, शारीरिक अनुभव है, चोट लगती है, दर्द होता है, कहीं पर ये जल जाता है या जलन होती है, ठंड, गर्मी, सर्दी, ये सारे दैहिक अनुभव, शारीरिक अनुभव जो भी हैं वह सब इसको होंगे और ये सब इसके मस्तिष्क में सेव भी होते जाएंगे, ताकि ये शरीर की रक्षा के काम आ सकें ये अनुभव। और चूंकि ये इंसानों के संपर्क से बाहर है और ये लगभग पशु के तल पर जी रहा है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसको दुख बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि है ये इंसान और इंसान में
दुख बड़ी गहराई से समाया हुआ है, तो इसको दुख ना के बराबर होगा। जैसे एक साधारण इंसान को समाज में होता है वो और उतना और वैसा दुख इसको नहीं होगा। दर्द सारे अनुभव करेगा, दुख उतना और उतना गहरा नहीं होगा जितना ये समाज में जो रहता है आज इंसान इसको होता है। अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, ये जो समाज में मनुष्य है इससे आपका कोई संपर्क ना हो, आपका मस्तिष्क खाली हो इस समाज से, तो ये आपकी हालत होगी, संभावित हालत आपकी ऐसी होगी, या कहो कि ऐसे आप होते अगर आप इस समाज में नहीं होते। पैदा होते ही यदि आपको किसी जंगल में इस तरह से छोड़ दिया जाता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप पैदा हुए तो अभी आप सिर्फ शरीर हैं और खाली मस्तिष्क हैं, लेकिन आप में ये भाव पैदा हो गया है कि मैं अलग हूँ सामने वाले से, शरीर के तल पर भेद खड़े हो गए हैं। अब आप भी जानते हैं जो बच्चा पैदा होता है वो कुछ भी मानसिक तल पर साथ लेकर नहीं आता है, जैसे वो अपना नाम, जाति, पहचान, संस्कार, अनुभव, भेदभाव, सुंदर, क्रूप, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, देश विदेश, मान्यताएं, विश्वास, धारणाएं, पूर्वाग्रह, परंपरा, कुछ भी वो साथ लेकर नहीं आता है। आप भी नहीं आए थे, यानी वो अभी अपने बारे में दो शब्द भी नहीं कह सकता इस हालत में है। वो ये भी नहीं कहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और आप सब जानते होंगे कि एक बच्चे को किस तरह आप बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उसको कोई नाम देते हैं, आप कहते हैं कि पापा कहो, मम्मी कहो, हर चीज उसको सिखाते हैं। भाई को भाई कहना सिखाते हैं, माता को माता कहना, पिता को पिता कहना सिखाते हैं। तो ये क्या किया जा रहा है आपके साथ? आपके मस्तिष्क को भरा जा रहा है। ये जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में भरा जा रहा है दैहिक अनुभवों के अलावा, वो शरीर का हिस्सा नहीं थे, वो आप थे नहीं, आप में डाल दिया गया है। कब? जब आप बच्चे थे, माने अबोध थे, जब आप कुछ समझते नहीं थे, और चूंकि तब आप में ये सब डाला गया था, तो जब आप कुछ समझने लगते हैं तब तक बहुत लंबा समय हो चुका होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैं मनोवैज्ञानिक तल पर जानता हूँ, मानता हूँ, बनकर बैठा हूँ, जो भी मैं हूँ वो मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ। तो आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी जन्म के बाद भरा गया है, परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, उस माहौल, उस परिवेश के द्वारा, उन सब के परिणाम स्वरूप अब क्या होगा? देह के तल पर तो आप स्वयं को अलग मानते ही थे जन्म होने के कारण, क्योंकि सामने वाला आपको अलग ही दिख रहा है। अब मानसिक तल पर भी आपकी अपनी एक अलग सत्ता, एक अलग पहचान खड़ी हो जाती है। ये जो पहचान खड़ी हुई है ये मिथ्या है, ये झूठी है, ये खड़ी की गई है। तो यहां से शुरू होते हैं भेदभाव। जो सामने वाला व्यक्ति आपसे अलग है वो सिर्फ यही जो कुछ है ना, इसके कारण अलग है। यहां कुछ नहीं भरा गया तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं होता, पर यहां जो कुछ भरा है इस मस्तिष्क में, उसके कारण मानसिक तल पर आप अपनी एक पहचान खड़ी कर लेते हैं। तो सारे भेदभाव, रंग रूप के, अमीर गरीब के, काले गोरे के, स्त्री पुरुष के, आदमी औरत के, जानवर मनुष्य के, सारे भेद यहां से खड़े होते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? ऊपर हमने कहा था कि आपको कोई दुख नहीं होता, दर्द अनुभव होते हैं, दुख नहीं होता या ना के बराबर होता है, लेकिन ये जो आपके मस्तिष्क में भर दिया है ये आपके दुख का कारण बनता है। इसके कारण भेदभाव होंगे, ईर्ष्या होगी, लड़ाई होंगे, कलह क्लेश होंगे, दुख होगा, आप तुलना करेंगे,
भेदभाव करेंगे, सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारा अवसाद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ना, ये सब किसका परिणाम है? इस मस्तिष्क में जो कुछ भी भरा है, परिवार ने, समाज ने, शिक्षा ने, संस्कार ने, इन सब ने मिलकर, उसका परिणाम है। तो यहां से आप अलग हैं, सामने वाला अलग है। ये मत समझिए कि अभी आप इंसान हो गए, नहीं, पिछले में आप पशु थे या लगभग पशु के समान थे, अभी आप क्या हैं? अभी आप पशु से भी बुरी हालत में हैं, पशु से भी गिरी हुई हालत में हैं। पशु कम से कम आज़ाद होता है, खाने पीने के लिए आज़ाद होता है, सोने के लिए आज़ाद होता है, जैसा रहना चाहता है वैसा रहने के लिए आज़ाद होता है। लेकिन अब आप क्या बन गए हैं? आप एक संस्कारित मशीन बन गए हैं, और सिर्फ मशीन भर नहीं, ऐसी मशीन जिसको दुख का अनुभव होता है लेकिन वो जानती नहीं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान माने ये जो कुछ अभी हमने बात करी, इस पूरी प्रक्रिया को वो नहीं जानता, इस पूरी प्रक्रिया को वो नहीं समझता। एक ऐसी मशीन आप बन गए हो लेकिन उसको दुख होता है, उस मशीन को। तो ये जो आपकी अभी हालत है, ये पशु से भी बदतर हालत है। तो अभी आप जो हो वो यहां पर हो आप, इसीलिए आप दुखी हो, इसीलिए आपके जीवन में तनाव है, चिंता है, अवसाद है, भेदभाव है, लड़ाई है, हिंसा है, सब है। अभी आप शरीर हो, मस्तिष्क है, चूंकि मस्तिष्क संस्कारित है इसलिए दुख पैदा हो गए, भेदभाव पैदा हो गए, ईर्ष्या तुलना सब पैदा हो गए। तो अब आप चूंकि संस्कारित हो, चूंकि आप खुद से नहीं चल रहे हो, आपको संस्कारित किया गया है वैसा जीने के लिए जैसा आप जी रहे हो। आप थोड़े से हेयर स्टाइल बदल दीजिए, पहनावा बदल दीजिए, लोग आपको टोकने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से गुलाम हैं, आप कैद हो चुके हो। और आप इसको स्वीकार करे बैठे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में भरा है उसे आप मानते हो कि यही तो मैं हूं। तो जब शरीर पैदा होता है और मस्तिष्क को संस्कारित कर दिया जाता है तो वहां दुख पैदा होते हैं, मानसिक तल पर आपकी अपनी अलग सत्ता, अलग पहचान खड़ी हो जाती है, और आप एक संस्कारित मशीन बनकर रह जाते हैं जो कि किसी और के द्वारा संचालित हो रही है, और उसका संचालन करता कोई एक नहीं है, हर कोई है, पूरा समाज, प्रकृति, हर कोई, पर वो खुद नहीं है। ऐसा समझ लो कि रास्ते में पड़ा एक पत्थर है जिसको कोई भी लात मार रहा है, लेकिन उस पत्थर की समस्या यह है कि उसको दुख अनुभव होता है, सिर्फ दर्द नहीं, दुख अनुभव होता है। फिर आती है अगली स्थिति, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। अब चूंकि मस्तिष्क विकसित हो गया है, काम करता है, तो ये थोड़ा सोच विचार कर सकता है, यानी आप सोच विचार कर सकते हैं। तो जो कोई भी इस पूरी प्रक्रिया को जानते हुए, इसको समझकर, अपने तन मन, अपने विचारों, भावनाओं, अपने कर्मों, अपने वृत्तियों, अपने अनुभवों, अपने शब्दों, अपने संबंधों के प्रति सजग रहता है, इनका अवलोकन करता है और देखता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह ये आ रहे हैं, तो वो स्वयं को जानता जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ से ये उत्पन्न हो रहे हैं, माने मस्तिष्क में वो देख पाता है कि विश्वासों से, मान्यताओं से, संस्कारों से, आदतों से, वृत्तियों से, इन सब से उसके कर्म आ रहे हैं। तो जब आप इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और देख पाते हैं कि किस तरह से जो कुछ भी आप करते हैं, सोचते हैं, मानते हैं, और जो भी आप स्वयं को मानते हैं, वो सब तो इस मस्तिष्क में जो कुछ भर डाला है उस सब का परिणाम है। जब आप देख पाते हो कि सारी समस्याओं का, सारे दुखों का कारण मस्तिष्क में भरी ये सारी सामग्री है, तब आप इसे अस्वीकार कर देते हैं। ये आपका चुनाव है, क्योंकि जब हम इसको समझ रहे हैं तब तक आपने इन सब चीजों से, इन सब बातों से, विश्वासों से, मान्यताओं से, जो आपके मस्तिष्क में भरा है,
स्वार्थ जोड़ रखे हैं। आप हिंदू बने बैठे हैं ना, तो हिंदू होने से आपने बहुत सारे स्वार्थ जोड़ रखे हैं। तो आप कहेंगे कि ठीक है, किसी ने संस्कारित किया होगा पैदा हुआ तब, अब क्यों छोड़ूं, अब तो मुझे उससे बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, समस्याएं भी हो रही होंगी। तो हो सकता है आप इसको अस्वीकार करना ना चुने, यहां चुनाव आपका है। पर अस्वीकार करना है तो फिर आपको सब कुछ ही अस्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वहां से आपको सुख मिल रहा हो या दुख। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जहां से दुख मिल रहा है उनको अस्वीकार कर दें और जहां से सुख मिल रहा है उनको पकड़े रखें, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो दुख बना रहेगा। और जब ये मस्तिष्क इस पूरी प्रक्रिया को देख पाता है और वो सब कुछ जो इसमें भरा हुआ है, जब ये उससे मुक्त हो जाता है, यानी अस्वीकार कर देता है, यानी कि उन सबको महत्व देना छोड़ देता है। ये मत सोचना कि मस्तिष्क में वो सब रहेगा नहीं, वो तो स्मृति है, रहेगी, अनुभव है, रहेंगे। पर आज तक में स्वयं को मानता था, मान लो हिंदू, तो ठीक है किसी ने दे दिया कोई ठप्पा, पर लेकिन वो वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, तब वो उसको महत्व नहीं देता, उसको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन अपने आप को क्या कहता है, वो व्यक्ति से व्यक्ति की भांति मिलता है। इस तरह जब आप इस पूरी प्रक्रिया को जानकर इस मस्तिष्क में जो कुछ है उसको अस्वीकार कर देते हैं, उसकी व्यर्थता को जानकर, तब आप शरीर को शरीर के हिसाब से चलने देते हैं और मस्तिष्क इन सब से मुक्त रहने के कारण शांत रहता है। फिर वो ईर्ष्या नहीं करता, फिर तुलना नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, फिर मान सम्मान इन सब के पीछे वो नहीं दौड़ता। देखा ना क्या है ये शरीर, और ऐसे ही सामने वाले शरीर हैं, और वो शरीर सम्मान लेने देने के लिए संस्कारित हैं, वो मस्तिष्क उनके, उन शरीरों में जो मस्तिष्क हैं वो संस्कारित हैं। अब कल्पना करो कि सामने एक मशीन है, वो आपको आपका सम्मान कर रही है, उस सम्मान का कोई महत्व है? तो जो व्यक्ति संस्कारित है उसके द्वारा सम्मान या असम्मान दिया जा रहा है, तो उसका क्या कोई महत्व रहेगा? आप क्यों महत्व दोगे? क्योंकि आप जानते हो कि ये तो बस मशीन भर है, क्योंकि ये जानता ही नहीं खुद को, इसलिए ये सिर्फ मशीन है। और जब आप स्वयं को जानते हैं तब आप मशीन नहीं रह जाते हैं, क्योंकि अब आप संस्कारों से मुक्त हैं। अब आपका रिमोट किसी और के हाथ में नहीं है, कोई और आपको संचालित नहीं कर रहा है। शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है, किंतु आपको कोई और नहीं संस्कारित, नहीं संचालित कर रहा है। अब आपका ये जो होना है, ये जो समझ है, ये आपकी अपनी है, या कहो ये समझ ही आप हैं। इसी को चेतना कहा जाता है, इसी को बोध कहा जाता है। ये जो आपको बोध हुआ, ये जो आपकी समझ है, ये आपकी अपनी है, इसके अलावा और कुछ अपना नहीं। सब कुछ बाहरी है, पराया है। अभी हमने देखा ना, तन कहाँ से आया है, पीछे जाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, जल में मिल जाओगे जाकर, ये तन तो इसका कुछ नहीं है। और जो मस्तिष्क में था वो भी बाहर से आया था, उसको अभी आपने अस्वीकार कर दिया, बाहर से आया, बाहर वालों पर ही उंडेल दिया। मस्तिष्क में जो था वो बाहर से आया, हटा दिया, तन बाहर से आया, उसको रहने दिया वहीं पे। पर ये जो समझ है ये आपकी अपनी है, इसके अतिरिक्त आपका और कुछ नहीं है। अब इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान करिए, इसको समझिए, एक बार नहीं तो दो बार, तीन बार, चार बार सुनिए, और फिर खुद के अंदर और दूसरों के अंदर देखिए कि किस तरह से वो संस्कारित हैं और किस तरह मशीन की भांति जी रहे हैं। पर चूंकि संस्कारित होने के कारण दुख भी इनके जीवन में है, क्योंकि ये स्वयं को नहीं जानते, इस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझते, तब आप देख पाएंगे। तो अब इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान करिए। तो हमने विधि का नाम दिया था, तुम कौन हो और तुम कहां से आए। तो तुम कौन हो, असली पहचान, समझ हूं मैं, बोध, बोधो अहम, बोध मात्र हूं, और वो कहीं से नहीं आई, वो बस है। और कहा जाए कि तुम कहां से आए, तो तन की बात अगर करो तो तन आया वहीं से, पंचभूतों से, तत्वों से, धूल मिट्टी आकाश वायु इन सब से।
तो जो मैं बना बैठा था वो कहीं से आया था, जो मैं हूं वो कहीं से नहीं आया, वो बस है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।